हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए परवल की रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 300 ग्राम परवल लिए हैं और इसको मैं आगे पीछे इसके दोनों गांठे काट दूंगी और नाइफ की मदद से इसे छील लूँगी। ठीक है, मैंने इसे पूरे छील के नहीं उतारे, मैंने सिर्फ इसके ऊपर के क्रश किया हुआ नाइफ की मदद से, और इस तरह क्रश करके जो बीज से इसको सेंटर से कट करके उसके बीज अंदर के हम निकाल देंगे नाइफ की मदद से। इस तरह करके हमें 3 से 4 परवल की पीसेस कट कर लेने हैं और उनके बीज हमें निकाल देने हैं। यहाँ पे 3-4 पीस मैं इस तरह करूँगी और 2-3 पीस मैं आपको राउंड शेप में कट करके दिखाऊंगी। मैं इन बीजों का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि इनके बीज ना ज़्यादा तगड़े हैं, इसलिए मैं इन्हें बाहर ही रहने दूँगी, इसका मैं यूज़ नहीं करूँगी। देखिए, इस तरह करके मैंने सारे पीस कट कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने 2 से 3 पीस को मैंने देखिए राउंड शेप करके नाइफ की मदद से इस तरह खाली किए हुए हैं, इसके बीज निकाल दिए। आपको जो पसंद लगे उस तरह भरवा परवल कट कर सकते हैं, आप इस तरह करके भी कट कर सकते हैं और एक राउंड वाला शेप है जो उस चम्मच या नाइफ की मदद से भी हम उसको इस तरह कर सकते हैं। देखिए, इसके बीज खाली निकाल देते हैं। चलिए, हमारे सब कट के तैयार हैं। अब इन्हें मैं अलग कर देती हूँ और बीज को मैं एक साइड पर रख देती हूँ। एक कटोरी लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून छोटा रेड चिली पाउडर। आप इसमें कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। अब हम थोड़े से खड़े मसाले ले रहे हैं, जिसमें ये मसाले हैं, देख सकते हैं, पचमेल मसाला। इसको मैंने रोस्ट करके तवे पर और फिर मैं इसे एक जार में पीस करके इसे इसी मसाले में ऐड कर लूँगी। ये देखिए, हमारा पीस चुका है। अब इसे हमें इसी मसाले में ऐड कर लेंगे, जिससे इसका मसाला अच्छे से बनकर तैयार होगा। इन मसालों को अच्छे से तरह चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारे सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। मिक्स होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार। इस तरह हमने मसाले में सभी मिश्रण ऐड कर लिए हैं, जितने भी मसाले हमें भरने के लिए चाहिए परवल में। अब हमारा मसाला अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है स्टफिंग के लिए। 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, हमारा मसाला इस तरह करके हमें मिक्स हो गया। अभी भी हमारा मसाला ड्राई है, इसमें हम मस्टर्ड ऑयल थोड़ा और ऐड करेंगे। अब इस तरह हम सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने आज सरसों का तेल इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इससे हमारी स्टफिंग अच्छे से बनकर तैयार होगी। ये जो हमारी स्टफिंग है मसाले की, ये अच्छे से देखिए बन कर अच्छे से तैयार हो चुकी है। और ये जो कट करे हुए परवल है, अब मैं इसमें स्टफिंग भरूँगी। तो चलिए, मैंने पहले जो कट किए हुए हैं इस तरह के, मैं उसको भरती हूँ। ये मैंने एक चम्मच लिया और चम्मच की मदद से इसमें मैंने भरा और फिर इसको उंगलियों से अच्छे से दबा दिया। इस तरह करके हमें सभी परवल को इसी तरह भर लेने हैं जो कट करने वाले हैं। कट करने वाले परवल को हमें इसी तरह चम्मच की मदद से और फिर उंगलियों की मदद की सहायता से स्टफिंग को भर देना है। देखिए, इस तरह करके, और इसे अच्छे से दबा देना है। देखिए, और ये जो राउंड वाले हैं इसको मैं इस तरह भर रही हूँ। देखिए, हाथ की मदद से इस तरह करके इसके अंदर की स्टफिंग को मैं भर देने हैं। जो हमारे ये इधर के 3 पीस ये राउंड शेप वाले हैं, उनको मैं इस तरह करके भर रही हूँ। इस तरह इसको दूसरा पीस भी मैं भर ले रही हूँ। देखिए, आप भी इस तरह कर सकते हैं। पैन लिया, उसमें मैंने थोड़ा मस्टर्ड ऑयल ऐड करके गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें जो परवल को भरे हैं उसको मैं एक साइड से चारों तरफ एक एक करके रख दूंगी एकदम लो फ्लेम पर। इसे मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ। इसको हमें लो फ्लेम पर दोनों तरफ उलट पलट के लाल करना है और इस तरह ये धीरे धीरे पक भी जाएंगे। देखिए, ये देखिए हमारे कैसे हल्के से नम हो गए हैं, सॉफ्ट। ये देखिए, एक साइड पूरे लाल हो चुके हैं। एक चिमटे की मदद से हम इसे एक साइड से दूसरी साइड पलट देंगे
जो एक साइड हमारे लाल हो चुके हैं, अब हमें इसे दूसरी साइड पलट देना है। इसी तरह करके हमें इसे सभी परवल को इस तरह कर लेना है। फिर इस तरह पलटने के बाद देखिए मैं एक एक करके मैं सब इसको पलट दे रही हूँ। एक साइड पूरा पक चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसे दूसरी साइड भी इसी तरह पकाना है 3 से 4 मिनट तक। इसे ढककर 3 से 4 मिनट पकने के लिए फिर छोड़ देंगे, जिसे दूसरी साइड भी पककर तैयार हो जाए। ये देखिए हमारा दोनों साइड पककर तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं इसकी ग्रेवी की ओर। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली हुई है, इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा हमारा जब तड़क जाएगा तब तो इसमें कटे हुए बारीक प्याज ऐड करेंगे। देखिए जीरा हमारा तड़क चुका है, अब हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं। प्याज को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भूनेंगे, जिससे कि हमारे प्याज अच्छी तरह भुन जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, और उसको भी अच्छे से इसी में मिक्स कर देंगे कि हमारा लहसुन भी अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं प्याज हमारी लाल हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप टमाटर बारीक कटा हुआ। अब इसे भी हम इसी में अच्छे से चलाते हुए पका लेना है। टमाटर को हमें अच्छी तरह से पकाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, और इसे भी हम अच्छी तरह से चला लेंगे। इस तरह करके हमें सब टमाटर को, इससे हमारा टमाटर थोड़ा अच्छा से पक जाएगा, और इसे हम एक प्लेट की मदद से कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम प्लेट को हटाकर देखते हैं। हाँ, टमाटर हमारे देखिए अच्छी तरह से पक चुके हैं। अभी हमें इसे और अच्छे पकाना है। इससे पहले हम चारों तरफ अच्छे से चला देंगे, फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून हल्दी दे रही हूँ। हल्दी थोड़ी कम है, मैं यहाँ थोड़ा और ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटे टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। ये देखिए अब इन मसालों को मैं टमाटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे जो मसाला मेरा बचा हुआ था उसका मैं उसे भी डाल दे रही हूँ। इन मसालों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, अच्छे से एकदम लो फ्लेम पे चलाते हुए एकदम मसालों को मुझे अच्छी तरह से भूनना है। मसाला अच्छी तरह से पक चुका है, अब इसमें हम 2 कटोरी पानी ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरह से चला देंगे मीडियम फ्लेम पर। अब इससे हम मैं ढककर 2 से 3 मिनट तक पकने दूंगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, देखिए मेरी ग्रेवी बनकर तैयार है। फिर जो मैंने परवल फ्राई करके रखे हुए थे अब उसको मैं इसी में ऐड कर दूंगी। वही धीरे धीरे हल्के हाथों से इसमें ऐड करना है, जिससे इसकी स्टफिंग निकलने ना पाए। और जिसमें तेल लगे हुए थे प्लेट में और मसाले, उसको भी मैंने इसमें डाल दिए। इसको मैं हल्के हाथों से हिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। दो से तीन मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरी सब्जी बनकर तैयार है। परवल की भरवा परवल की रेसिपी देखिए कितनी देखने में अच्छी लग रही है। इस तरह आप इसे परवल की सब्जी बनाएंगे तो सभी इसको पसंद करेंगे, और खाने में भी बहुत अच्छी है। इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनकर तैयार है ये देखिए। अब हम गैस को कर देते हैं बंद, और इसको चलिए एक प्लेट में करते हैं सर्व। ये देखिए हम इस तरह करके इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह हमारी भरवा परवल की रेसिपी आपको कैसी लगी? प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।